सेक्रेटरी आरटीए हैदराबाद रीजन सलीम का अचानक लतीफाबाद पौने सात पर गैर कानूनी अड्डों के खिलाफ क्रैकडाउन। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी आरटीए हैदराबाद रीजन सलीम ने अचानक गैर कानूनी अड्डों पर छापे मारकर गैर कानूनी अड्डे बंद करवा दिए। आज सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आब्दीन मेमन की हिदायत पर सेक्रेटरी आरटीए हैदराबाद रीजन सलीम मेमन ने एसओ ट्रैफिक लतीफाबाद मुजफ्फर बेग के हमरा गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट माफिया के अड्डों पर छापा मार कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी अड्डे बंद करवा दिए। सलीम मेमन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आवाम की हर तकलीफ को दूर करना हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल है। इन अड्डों से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही थी। स्कूल के बच्चे और मरीज टाइम पर ना पहुंचने की वजह से परेशानी का शिकार थे, जिस पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई है और मजीद कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। हुकाम के अहकाम पर आज लतीफाबाद के अड्डों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया गया है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन साहब, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जनाब अली मेमन साहब के सब स्टेशन आज मौसूल हुए जो राइटिंग में थे, और टेलीफोन मैसेज आया कि लतीफाबाद में फिर से अड्डा माफिया मसरूफ हो गई है और अभी आप सब भी और मैं भी ट्रैफिक चौकी पर पहुँचे। ये इंस्पेक्टर साहब मुजफ्फर बेग जो यहाँ के एसओ हैं, इनसे पहले बात हो चुकी थी कि आप अपने स्टाफ को रेडी रखें, तो ये भी रेडी थे, आप लोग भी आए। जैसे ही ये चार पांच गाड़ियाँ उठाईं तो ये लोग डिस्पर्स हो गए, ये होते हैं भाग जाते। अब ये तय है कि कोई भी गाड़ी न वैन न कार